बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी का छठवां पाठ माता को पत्र ये पढ़ाऊंगी। इस पत्र में क्या है ये यहाँ पर संक्षेप में लिखा गया है, आप इसे देखिए। सबसे पहले तो आप किताब निकालिए, क्योंकि वीडियो में पूरी लाइन एक साथ नहीं आती है, और किताब निकाल कर उसका पेज नंबर 38 निकालिए। यह पत्र सुभाष चंद्र बोस ने 1912 में अपनी माता प्रभावती को लिखा था, जिसमें देश की दुर्दशा को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। पत्र के माध्यम से नेताजी ने अपने हृदय में उमड़ रहे देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। तो ये पत्र सुभाष चंद्र बोस ने 1912 में अपनी माँ प्रभावती को लिखा था, और इस पत्र में उन्होंने देश की दुर्दशा का वर्णन किया है, देश की दुर्दशा पर अपनी चिंता व्यक्त की है, साथ ही साथ उनके हृदय में जो देश प्रेम का भाव था वह भी इस पत्र में व्यक्त हो रहा है। देखिए, रांची रविवार, तो रांची से ये पत्र लिखा गया है, जिस दिन लिखा गया वह दिन रविवार का दिन था। आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय की कमी के कारण पत्र नहीं लिखा है। तो जैसा आमतौर पर पत्र के आरंभ में हम एक दूसरे का समाचार हालचाल पूछते हैं, इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र को शुरू किया है, और वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि कोलकाता के संबंध में मुझे कोई समाचार इन दिनों नहीं मालूम है। हो सकता है समय के कारण आपने पत्र नहीं लिखा हो, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब वहाँ स्वस्थ होंगे। मेज़ दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ लिया था? अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे सचमुच दुख होगा। आगे वे अपने बड़े भाई के बारे में पूछते हैं कि उनकी परीक्षा कैसी रही। फिर वे कहते हैं कि शायद आपने मेरा पिछला पत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। अब आगे इस पत्र में वे जो लिखना चाहते हैं वे बातें अब यहाँ से आरंभ हो रही। ध्यान रहे कि सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से भी पुकारते हैं। ये रहे सुभाष चंद्र बोस। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। स्वार्थ रहित मतलब जो अपने लाभ, अपने हित, अपने सुख के बारे में न सोचता। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत? कैसा है यह वर्तमान? तो सबसे पहले वो अपनी माँ से कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि क्या हमारे देश में भारत माँ का ऐसा कोई भी सुपुत्र नहीं हो है जो स्वार्थ के बिना जीवन जी रहा। आगे वो कहते हैं कि क्या हमारी भारत माता इतनी भाग्यहीन है कि उनके पास कोई ऐसा पुत्र नहीं जो बिना स्वार्थ के, बिना अपने लाभ, बिना अपने हित के बारे में सोचे जी रहा हो। आगे वे कहते हैं कि हमारा अतीत बड़ा स्वर्णिम था। अतीत मतलब जो गुजरा हुआ समय है,
जो बीत गया है उस समय को अतीत कहते हैं। तो हमारा बीता हुआ समय कितना सुंदर था, कितना सुनहरा था, और आज का यह वर्तमान कैसा है। वे आर्यवीर आज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्योछावर कर देते थे। स्वर्णिम अतीत में हमारे देश में आर्य थे, हम भारतीय आर्य कहलाते थे, आज भी कहलाते हैं। तो प्राचीन समय में जो हमारे आर्य वीर थे, शायद आपने इतिहास में, हिस्ट्री में कहीं वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, और अगर आपने पढ़ा है तो आप जानती हैं कि आर्य कौन है, आर्यंस कौन है, ठीक है। तो प्राचीन समय में हमारे देश में, हमारे देश के जो वीर थे, उन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन बड़ी प्रसन्नता से भारत माता पर निछावर किया था। लेकिन वर्तमान ऐसा नहीं है, आज का समय ऐसा नहीं है। आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माता है, और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता? आगे वे कहते हैं कि आप अर्थात भारत माता सबकी माता है, और वे कहते हैं कि भारत माता के लिए सारे भारतीय उनके पुत्र हैं, सभी भारतीयों की आप भारत माँ हैं। और आगे वे कहते हैं कि आज जो भारतवासियों की स्थिति है, ये पत्र 1912 में लिखा गया था, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले तक हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के गुलामी के दिन में, गुलामी के दिनों में भारतीयों का जीवन कई तरह के कष्ट से भरा था, क्योंकि भारतीयों को गुलाम बनाकर अंग्रेज उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तरह तरह के कष्ट देते थे, तरह तरह से उनको सताते थे। तो इस तरह भारतीयों के जीवन में स्वतंत्र होकर जीना ये एक सपना था उन दिन, और सब कुछ भारतीयों को अंग्रेज़ों के अनुसार ही करना पड़ता था, अपनी आज़ादी, अपनी इच्छाओं को छोड़कर, ठीक है। और ऐसे में जो भारतीय गुलामी के समय में भारतीयों की जो दयनीय अवस्था थी, जो दुख थे, कष्ट थे, भारत माता जो कि सभी भारतीयों की माता है, इसलिए गुलामी के दिन में भारतीयों की जो हालत थी, जो दुर्दशा थी, उसे देखकर भारत माता का दुख, भारत माता का हृदय अवश्य ही व्यथित होता होगा, दुखित होता होगा। क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है? वे कह रहे हैं कि भारत के लोगों का गुलामी के दिनों में जीवन बड़े कष्ट में बीत रहा है, लेकिन भारत माँ बच्चों की ये दुर्दशा देखकर भी अप्रभावित बनी हुई है, अपने बच्चों के दुख से प्रभावित नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है, क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता? फिर वे अपनी माँ से कहते हैं कि आपने तो कई देशों की यात्रा की है, अन्य देश में लोग किस तरह से रहते हैं, हमारे देश भारत में लोग किस तरह से गुलामी में रह रहे हैं, अवश्य ही ये सब देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू बहाता होगा, आपके हृदय को बहुत दुख होता होगा। तो इस वीडियो में
मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ।